आपके साथ रखा हुआ है आला रावण। और ये जो खोपड़ी वाली सामने है, कितने फुट वाले रावण की, तो यहाँ पे देख सकते हो अपनी ताड़ी का पूरी तैयार हो चुकी है। ये होता है रावण का घाघरा, जो ये 150-200 ऐसी 35 फुट वाले रावण की छाती दिख रही है। ये सारे मतलब छोटी छोटी फुट वाले हैं, स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होना। मुकुट वगैरह रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो पूरे में ये देखो घाघरे बने हुए हैं और छोटी छोटी खोपड़ियां रखी हुई रावण की। हाथ हो गए रावण के, 40-40 फुट वाले रावण होते हैं उनके पैर रखे हुए हैं, छातियां भी चिपकाई है रावण की। 5 फुट का ही रावण है आला पूरा। हाँ तो भाई लोग, नवरात्रि का सीजन आ चुका है और जगह जगह पर रामलीला के टेंट भी गड़ चुके हैं। तो ये है लंकेशपति रावण, और दशहरा आने वाला है तो लोग रावण खरीदने में लग गए होंगे। अगर रावण खरीदने जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू सुरेश के ब्लॉग्स। तो भाई लोग, आज मैं आ चुका हूँ रजौरी गार्डन में। आज इसीलिए आया क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे ज्यादा चीपेस्ट रावण। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे चीपेस्ट रावण यहीं पे मिलते हैं, और जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हो यहाँ पे रावण बन रहे हैं। अभी हमें मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन पे, हम यहाँ से हम डायरेक्ट निकल रहे मेट्रो लेकर रजौरी गार्डन। तो अभी जस्ट हम मेट्रो से उतरे हैं और बस हमें सबवे से अभी रोड पार करके जाना है, और वहीं पे हमारे जो रावण की पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहीं होती है। तो चलो वहीं चल के तुम्हें दिखाता हूँ पूरा व्यू। तो भाई लोग, पहले एक बार मेरे पीछे का व्यू चेकआउट मारो। पीछे मेरे देखो पूरे में रावण की खोपड़ियां रखी पड़ी है, पूरे पूरे में रावण हो रखे हैं। और यहाँ पे देखो पूरे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है रावण की इस टाइम पे, और हर जगह पे रावण ही रावण हो रखे हैं यहाँ पे। तो भाई लोग, आज टैगोर गार्डन आया हूँ मैं, और आया इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि भाई रामलीला का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो भाई रावणों के ऊपर वीडियो लाओ, मतलब सबसे चीपेस्ट रावण कहाँ मिलते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई आज मैं आ गया टैगोर गार्डन, और यहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ी जो मार्केट है ना रावण की, वो यहीं पे है। और ऑल ओवर जो दिल्ली में रावण सप्लाई होते हैं ना दशहरा वाले दिन, वो यहीं से होते हैं। तो आज आपको मैं पूरे एक एक डिटेल देने वाला हूँ किस तरीके से रावण बनते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट उसमें यूज होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मिलता हूँ आपसे वीडियो के बाद। तो जैसे मेट्रो से आप उतरोगे टैगोर गार्डन के, आप सबवे पार करके इधर रोड पार आओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होना। जैसे यहाँ पे देखो ये खोपड़ी रखी हुई रावण की, इधर भी बन रहे, और यहाँ पे देखो बांस वगैरह पड़ी है। तो भाइयों, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे रावण बनना चालू हो चुके हैं। ये देखो सबसे सस्ती रेंज है रावणों की, ये 150-200 ऐसी रेंज वाले हैं। और इन अंकल की दुकान है यहाँ पे, देखो तुम देख सकते हो ये पोस्टर ऐसा टाइप का बना रखा है। रोड जा रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट है रावणों की, ये देखो यहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है अंकल का। अंदर की साइड देखो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है रावण की, ये सारे मतलब छोटी छोटी फुट वाले हैं। ये देख सकते हो खोपड़ी देख के आपको पता लग रहा है ज्यादा बड़े रावण नहीं आले। तो अंदर चलते हैं, अंदर चलकर आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ इसकी। तो भाई यहाँ पे देखो पूरे में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, यहाँ पे देखो हर जगह पे आपको दिख रहा होगा, कहीं पे देखो स्केलेटन्स पड़े हैं रावण के, और कहीं ना कहीं पे देखो खोपड़ी वगैरह पड़ी है। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे फुट की यहाँ पे पड़ी है खोपड़ियाँ। और जैसे कि ये सब देख सकते हो, ये होता है रावण का सीना। जैसे अब ये देखो, ये होता है रावण का घाघरा जो रावण पहनता था अपने नीचे। और यहाँ पे देखो पूरे में ये देखो घाघरे बने हुए हैं, और जो इनके पीछे पीछे रखे हुए हैं ये घाघरे हैं। तो अब तुम्हें छाती दिखाता हूँ रावण की कैसी होती है असल में। कितने फुट वाले रावण की छाती है ये? 35 फुट वाले रावण की छाती दिख रही है तुम्हें अभी। और ये जो खोपड़ी वाली सामने है, कितने फुट वाले रावण की है? 40। ये 40 फुट वाले रावण की है। ये देख लो भाई, रावण की जो जॉइंट्स है उन्हें बांधने के लिए यहाँ पे ये वायर यूज़ करी गई है। ये देख सकते हो ये सब में देखो वायर यूज़ करी गई है, रस्सियाँ इसलिए यूज़ नहीं करते, वो खुल जाती हैं। और यहाँ पे देखो वायर ही वायर यूज़ करी गई, जैसे यहाँ पे ये भाई बांध रहे हैं वायर से। तो भाई लोग, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ रावण के मुँह रखे हुए हैं, और ये देखो कितने कितने फिट के, कम से कम 7-8, 8-9 फिट के ये रावण के मुँह रखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे अंकल, ये क्या घाघरा बन रहा है, सीना बन रहा है ये? ये सीना बन रहा है, छाती मतलब जिसे कहते हैं, छाती बन रही है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो सारे ये घाघरे वगैरह रखे हुए हैं, और वहाँ पे देखो मुंह बन, ये हाथ होगा जैसे रावण के थोड़ा बहुत, और ये भी देखो घाघरा टाइप में आ गया। यहाँ पे देखो ये मुकुट है रावण के, जितने भी सारे मुकुट वगैरह रखे हैं यहाँ पे देख सकते हो तुम सारे के सारे। यहाँ पे देखो पतली सी गली से तुम्हें अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ हर एक चीज की। ये देखो छोटे छोटे घाघरे हैं, ये सारे मुकुट हो गए, ये हो गए देखो हाथ हो गए रावण के। अभी ये हाइट वाइज अरेंज कर रखे होंगे कि मतलब कौन से कितने फुट वाले रावण के कितने हाथ होंगे,
और ये हो गए पैर। ये पैर मेरे को छोटे रावण के लग रहे हैं, क्योंकि इतने छोटे रावण के पैर होते नहीं वैसे, क्योंकि ये छोटे फुट वाले रावण के पैर हैं। ये देखो जो 50-50, 40-40 फुट वाले रावण होते हैं ना, उनके पैर रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ देखो छोटे छोटे रावण रखे हुए हैं। और ये देख सकते हो ये होता है गोंद, जिससे रावण चिपकता है। ये देखो भाई रावण को कवर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ग्लेस पेपर का यूज़ करा है, ब्लैक ग्लेस पेपर का। स्किन चढ़ती है वो इन्हीं ग्लेस पेपर से चढ़ती है। तो भाई ये हो रही है पेस्टिंग अपनी पूरी रावण की स्किन की। तो भाई मतलब कितने फुट का रावण कितने तक का मिल जाता होगा? 40 फुट का कितने तक का रावण मिल जाता है? 20,000 तक का। और सबसे छोटा कितने तक का मिल जाता होगा? 5,000 ऐसी स्टार्टिंग हो जाती होगी। भाई मतलब ऐसी रेटिंग है रावण की, जैसे हो गया आपका 30-30 फुट वाले रावण हो जाएंगे आपके 15,000 से 10,000 के बीच में, और जो 40-40, 50-50 फुट वाले रावण हो जाते हैं वो आपको पड़ जाते हैं 15,000 से 20,000 या 25,000 तक के बीच में। तो यही कुछ प्राइसिंग होती है रावण की। और जो सबसे छोटा रावण था वो जो 3-3, 4-4 फुट के रावण है वो मैंने आपको दिखाई दिए, 3-3, 4-4 रुपये में ऐसे धक्के खा रहे हो। और जैसे ये मेरे पीछे देख सकते हो इतने बड़े बड़े जो रावण होते हैं ना, वो आपको मैक्स टू मैक्स बताता हूँ, मैक्स टू मैक्स जो सबसे ज़्यादा हाई जाएगा वो जाएगा 20,000 रुपये, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये ले ले विमल, ले ले आज चुटकी, ले ले दिलबाग विलबाग कुछ इसमें से ले ले। आर 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 विमल बोलो जुबा केसरी। अपना फेवरेट है भाई पंजाबी तड़का, पंजाबी तड़का ही चलता है मेरा हर बारी। तो भाई इस वक्त मैं आया हूँ दूसरी जगह पे रावण की। देखो जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे रावण बने हुए हैं, तो अब यहाँ पे चल के दिखाता हूं तुमको। तो भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे सारे देखो छोटे छोटे रावण रखे हुए हैं। ये कितने कितने फुट वाले होंगे भाई ये रावण? 5 फुट के। और क्या प्राइसिंग होती है इनकी? 2,000 तक। देखो 5-5 फुट के रावण रखे हुए, जैसे मतलब कोई फैमिली हो अपने घर पे ले जाके इन्हें जलाना चाहती हो उस टाइप के मतलब हो सकते हैं रावण, क्योंकि हर कोई तो रामलीला करता नहीं है ना। तो ये फैमिली वगैरह मतलब छोटी मोटी गैदरिंग के लिए वाले रावण बने होते हैं 5-5 फुट के, 2,000-2,000 रुपये तक के। और यहाँ पे देखो ये आरारोट का घोल होता है वो यहाँ पे उबल रहा है। और ये देखो पूरे पे पेस्टिंग करी गई है, इस पे पहले की तरह उस वाली जगह की तरह कपड़े नहीं लगाए गए, यहाँ पे देखो पेस्टिंग करी गई है फुल पेपर से। अब इसके ऊपर ग्लेस पेपर चढ़ेगा या कलर होगा इनके ऊपर। तो भाई मेरे को यार एक बताओ कि मतलब ऐसे कितने कितने फुट वाले रावण कितने कितने तक के होते हैं? तक अपना 20 फुट का होगा 6,000 का। 20 फुट का रावण देखो आपको 6,000 तक का मिल जाएगा। और जो ये 30-30 फुट के जो कितने होते हैं? 30 फुट का आपको मिलेगा 12,000 का। 12,000 30 फुट वाला रावण 12,000 का, और जो 40 फुट का हुआ 1500 ऐसे से ऐसे। और जो 50 फुट मैक्स टू मैक्स सबसे बड़ा रावण कितने तक का बनाते हो आप? वो तो अभी News, but I don't know, 30 फुट तक का। 30 फुट तक। अच्छा अच्छा, वैसे 50 फुट का रावण कितने तक का मिल जाता है? 50 फुट का रावण का आपका पड़ जाएगा 40 तक का। चालीस तक का आपको पड़ जाएगा, इतने तक कई रेटिंग पड़ जाती है सारे रावण की। देखो ये पूरे में देखो रावण ही रावण रखे हुए यहाँ पे, छोटे छोटे रावण, ज्यादा बड़े रावण नहीं होते। मुश्किल से मुश्किल ये 5 फुट का ही रावण है आला पूरा, मेरे से भी छोटा रावण है। और ये देखो ये जो खोपड़ी है ये भी अभी ऐसी रखी हुई है, ज्यादा बड़ी खोपड़ी नहीं आली भी। और ये आला रावण देखो पूरा इसके कहते हैं मुकुट के साथ रखा हुआ है आला रावण। भाई ये आला जो ये आपका गोंद टाइप का ये किस चीज से बनता है? अरारोट और पानी के घोल से। हाँ, कितनी देर उबालना पड़ता है इसको? आधा घंटा में हो जाता है, फिर इसको ठंडा करना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। तो भाई लोग ये देख सकते हो तुम, ये सारा कुछ सामान यूज करेगा मेकअप में। ये दांत वगैरह होगा जैसे ताड़का के, और ये नखून वगैरह होगा ताड़का के, और ये सारे एक्रेलिक कलर यूज करेगा इसमें, ये आटा वगैरह रखा है, और टॉयलेट पेपर भी यूज करा गया इसमें। तो ऐसे ऐसे करके हमारी कुछ ताड़का तैयार हो रही है। तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है स्पर्श भाई, और हमारी ताड़का कौन बन रही है? लक्ष्य चौधरी। Oh,
यहाँ पे देख सकते हो अपनी ताड़ी का पूरी तैयार हो चुकी है पूरी की पूरी। तो यह अपनी पूरी ताड़का का लास्ट लुक जो पूरा तैयार हो चुका है। तुम कैसे पुरुषों का आहार करती हूँ, जो सामने आए उसे जिताना छोड़ू, सासों को मुंह में डालकर दहाड़ करती हूँ, बस मैं तुम्हें आवाज देता हूँ। चल भाई छमिया मेरी, चल निकल खत्म।